हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ पर 100 मीटर के लिए टॉप फेवर पर देखेंगे, जिसके वजह से आपका 100 मीटर का स्टार्ट भी अच्छा होगा। उसके साथ जब आप फिनिश करते हैं 100 मीटर का फिनिश करते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपके हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, आप उठा के नहीं डाल सकते। उसके लिए दोस्तों आज हम अच्छे से ऐसे 3 वर्कआउट देखेंगे। उस वर्कआउट से आपका 100 मीटर का स्पीड भी अच्छा होगा, उसके साथ फिनिश भी अच्छा होगा। और दोस्तों 100 मीटर के लिए स्टार्ट और फिनिश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका टाइम अच्छा आता है। अगर आप 13 सेकंड दौड़ते हैं, अगर आप 12 सेकंड दौड़ते हैं दोस्तों, आपका 50 माइक्रो सेकंड से लेकर 1 सेकंड कम होगा आप इस वर्कआउट को अच्छे से अगर फॉलो करते हो। तो किस तरह से करना है आपको वर्कआउट, कैसे करना है, आज के वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें 100 मीटर का स्टार्ट, उसके साथ स्पीड अच्छा करने के लिए, आपके पैरों में अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट है आपके पैरों में ताकत बढ़नी चाहिए, उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहला वर्कआउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहला हम यहाँ पर स्क्वाट करेंगे, स्क्वाटिंग जंप करेंगे। और वो किस तरह से करना है देखो। सबसे पहले वर्कआउट में आपको इस तरह से जंप लगाने है और स्क्वाट होना है, मतलब आपको दोस्तों जंप एंड स्क्वाट लगाना है। इस तरह से आपको दोस्तों बॉडी को होल्ड रखना है, आपको हाथों का स्विंग करके आपको उसके बाद जंप लगाने है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना और आपका जो टो है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। और इस तरह से आपको 1 सेकंड होल्ड रखना है। इस तरह से आपको दोस्तों 12 रेपिटेशन लगाने हैं, और 12 रेपिटेशन के आपको एक सेट, इस तरह से आपको 2 सेट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना है, इसके वजह से आप क्या होते हैं, इसके वजह से आपके लेग में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपका 100 मीटर का स्टार्ट होगा, फिनिश होगा वो बहुत अच्छे तरह से हो जाता है। इस तरह से आप दोस्तों वर्कआउट करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट हम दोस्तों, उसमें आपको स्टैंडिंग लंजेस विथ जंप करनी है। फिर नेक्स्ट वर्कआउट में आपको दोस्तों हॉबिंग करनी है। आपको कैसे करना है देखो, आपको दोस्तों दोनों पैरों को फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से जंप लगानी है। और दोस्तों आपको ऊपर ज़्यादा जाना है, जितना आपको हो सके दोस्तों इस तरह से आपको पैरों को प्रेस करके ऊपर जाना है। इसके वजह से दोस्तों आपके लेग में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इस तरह से आपको हाथों को स्विंग करके आपको दोनों पैरों पर इस तरह से ऊपर आपको दोस्तों स्पीड से जाना है। और ऐसे आप दोस्तों 10 रेपिटेशन के 2 सेट लगाओ, इस तरह से दोस्तों 1 दशक करना। दोस्तों 100 मीटर का फिनिश अच्छा करने के लिए, जो लास्ट आपका 50 मीटर में आपके हाथ पैर नहीं चलते, उसके लिए आपको दोस्तों 180 मीटर के रेपिटेशन लगाने हैं, 180 के रेपिटेशन लगाने हैं। दोस्तों 100 मीटर अच्छा करने के लिए आपको 180 मीटर की रेपिटेशन लगानी चाहिए, क्योंकि 180 मीटर रेपिटेशन लगाने से आपका 100 मीटर का फिनिश अच्छा हो जाता है। आपका जो लास्ट में हाथ और पैर आपके जो चलते नहीं, आप स्पीड से नहीं चला पाओगे, इसलिए दोस्तों आप 180 मीटर की रेपिटेशन लगाओ। और रेपिटेशन दोस्तों आपको एक बार, हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए। और 180 के आप 5 या 6 रेपिटेशन लगाओ, जिसके वजह से आपकी जिस स्पीड है अच्छे से बढ़ेगी और आपका फिनिश भी आपका अच्छा हो जाएगा, और आपका दोस्तों 100 मीटर का टाइम भी अच्छा आएगा। इसलिए दोस्तों आपको 180 मीटर के रेपिटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको 180 की 5 या 6 रेपिटेशन लगानी, उसके वजह से आपका फिनिश अच्छा हो जाता है और आपका स्पीड भी स्टार्ट भी आपको चलाना है और फिनिश भी अच्छा करना है। इसके वजह से दोस्तों आपका 100 मीटर का टाइम अच्छा आता है और आपका फिनिश भी अच्छा होता है। इसी तरह से दोस्तों आप वर्कआउट करना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा और आपका टाइम भी कम होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से दोस्तों आप वीडियो देखते रहना, हम बहुत अच्छी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।